हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे आज का व्लॉग मेरे से स्टार्ट हुआ है, बट आप लोग को बता दूं कि ऊपर का सब कुछ हो गया है, ऊपर की पीओपी हो गई है। और किसी ने मुझे कमेंट की थी कि पीओपी नहीं होती है, वो फॉल सीलिंग होती है। तो आई नो डियर, फॉल सीलिंग होती है, पीओपी भी बोलते हैं उसे, लैंग्वेज में पीओपी ही बोलते हैं। बट जो आर्किटेक्ट लैंग्वेज है या सिविल लैंग्वेज है, मतलब सिविल इंजीनियर वगैरह, वो उसे फॉल सीलिंग बोलते हैं। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है, हम लोग कॉमन लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम लोग अभी पीओपी ही बोलेंगे उसे। तो वही, अभी ऊपर का तो फिनिश हो गया है, तो अभी आ गया है वो लिविंग रूम में। तो यहाँ पर सारा लिविंग रूम का सामान लाके बेडरूम में रख दिया था, तो इसी वजह से सारा कुछ मेस आपको बेडरूम में दिख रहा है। और यहाँ का जो लिविंग रूम का सोफ़ा है वो भी बाहर रख रहा है, क्योंकि लिविंग रूम में बिल्कुल कुछ भी सामान नहीं रखेंगे। और उसके बाद वो पीओपी का काम स्टार्ट करेंगे, मतलब फॉल सीलिंग का, तो वो काम स्टार्ट करेंगे। मतलब सोफ़ा बाहर ला के रख दिया है, और बाकी का जो सामान था, मतलब छोटा मोटा, वो बेडरूम में ला के रख दिया है। तो यही हो रहा है, और बस सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो, सारा कुछ वो लोग कर रहे हैं। मतलब अभी डिज़ाइन निकालेंगे, डिज़ाइन निकालने के बाद वो लोग स्टार्ट करते काम करना। पहले वो डिज़ाइन निकालते हैं, उसके बाद वो जो मतलब पाइप वगैरह की या एंगल की फिटिंग होती है वो होती है, और उसके बाद फिर वो पीओपी की शीट लगाई जाती है। तो वही चल रहा है अभी। यहाँ के जो भी सामान है, थोड़ा सा बचा हुआ था, वो माही उठा रही है। और यहाँ पर उनको चाय वगैरह देनी पड़ती है बीच बीच में, तो वही मैंने बनाई है, अभी चाय बनाई है। तो मैंने सोचा चलो उनको दे देती हूँ पहले, फिर उनका काम स्टार्ट हो जाता है। बीच में एक बार और देनी पड़ती है, और जब वो जाते हैं तभी भी एक बार और देनी पड़ती है, तो ऐसे चाय दो तीन बार हो ही जाती है बीच में। अभी सारा सामान तो उन्होंने निकाल दिया है यहाँ का, बस अभी जो बल्ब एंड वो क्या बोलते हैं, फ़ैन वगैरह जो, और वो झूमर लगाया है या वो पीछे लाइट्स आपको दिख रहे हैं, वो निकाल देंगे सारे, और उसके बाद वो काम स्टार्ट करेंगे अपना। और वो लोग ना सुबह सुबह ही आ जाते हैं, तो मेरा खाना भी बनाना बाकी रहता है। बट जब तक वो तैयारी करते हैं तब तक मैं अपना खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पालक तोड़ रही हूँ, और सिंपल सिंपल सा ही खाना बन रहा है अभी, क्योंकि जल्दी बनाना पड़ रहा है मुझे, तो इतना ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ मैं खाने में। तो बस यहाँ पर मैं अपना पालक तोड़ रही हूँ, और मुझे माही उसका होमवर्क भी बता रही थी, तो वो भी उसको बता रही थी मैं, तो बस पालक तोड़ लूँगी। और उसके बाद मुझे आज दाल पालक बनाना है, तो वही आज बना लूँगी। एक्चुअली मैंने नहा तो लिया था, बट रेडी होने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मुझे जैसे ही वो लोग दिखे ना, वैसे ही मैं किचन में खाना बनाने के लिए आ गई थी। जब तक मैं अपना किचन का काम कर रही थी ना, मतलब खाना बना रही थी, तब तक माही ने देखो सेट भी कर दिया, कितना ज़्यादा मेसी लग रहा था, और माही ने पूरा सेट कर दिया और नहा भी लिया। मुझे माही की यही चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसको भी हमारी तरह बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं है, वो भी गंदगी में बिल्कुल नहीं रह सकती। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से उसने सेट कर दिया, इसीलिए मैं आपको दिखा रही थी। जैसे ही मैं अपना किचन का काम ख़त्म करके यहाँ पर आई ना बेडरूम में, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो माही ने सेट भी कर दिया, और कम से कम यहाँ पर बैठने के लिए जगह तो हो गई। मतलब घर में अभी कहीं पर बैठने के लिए अच्छे से जगह नहीं है, आराम से हम लोग नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पर है बस, बेड पर ही हम लोग आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पर। And it's all you need.
किचन क्लीन हो गया और अब जाके मुझे अच्छा लग रहा है। और ऊपर से आपको अगर खटखट की आवाज आएगी तो प्लीज उसे इग्नोर करना, क्योंकि अभी तक मैं आपसे बात करने के लिए रुक गई थी, बट क्या कर सकते हैं, अभी तक वो लोग गए नहीं है, तो इसीलिए आपको थोड़ी सी खटखट की आवाज आएगी ही ऊपर से। और ना काम करते करते बोर हो जाता है यार, इसीलिए मैं कहानियां सुन लेती हूँ। पहले तो भी मैं कहानियां पढ़ती थी तो थोड़ा सा मेरा टाइम पास हो जाता था, मैं टीवी देखती थी उससे मेरा टाइम पास हो जाता था। अभी तो मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से मुझे ना तो कहानियां पढ़ने का टाइम मिल रहा है ना तो टीवी देखने का टाइम मिल रहा है, इसलिए जो भी टाइम मिलता है वो बच्चों को दे देती हूँ और काम करते करते मैं कहानियां सुन लेती हूँ। तो मैं आजकल ना कहानियां सुन रही हूँ, मैं आजकल कहानियां पॉकेट एफएम पे सुन रही हूँ, और यहाँ पर आपको हर तरह की कहानियां सुनने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि रोमांटिक कहानी, इमोशनल कहानी और मोटिवेशनल और सस्पेंस वाली कहानी आपको यहाँ पर सुनने के लिए मिल जाती है। और मैं जो आजकल कहानी सुन रही हूँ उसका नाम है कितनी मोहब्बत है। ये जो ऐप है ये मैंने डाउनलोड किया है और इसमें मैं कहानियां भी सुनती रहती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है या जब भी मैं काम में रहती हूँ तो मैं ऐसी मोबाइल लगा देती हूँ और सुनती रहती हूँ। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां होती है इसमें। अभी जो कहानी सुन रही हूँ फिलहाल वो है कितनी मोहब्बत है, और वो एक माँ बेटी की कहानी है, मीरा और उसकी माँ सावित्री की ये कहानी है, और बहुत ज्यादा इमोशनल कहानी है, दिल को लग जाती है। मैं थोड़ी सी वो कहानी आपको सुना देती हूँ, आप भी सुन लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। मीरा जो होती है वो 16 साल की लड़की होती है, और उसकी माँ जो होती है सावित्री, उसकी माँ ने उसे भोपाल से इंदौर भेज दिया होता है पढ़ाई के लिए। बट ऐसा उसकी माँ ने क्यों किया है तो ये जो राज है वो आगे खुलेगा। बट अचानक से मीरा की जो माँ है सावित्री, उसकी मौत हो जाती है, और ये जो राज है वो उसकी मौत के साथ ही चला जाता है। बट मासूम मीरा को कुछ भी पता नहीं होता है कि उसकी माँ ने उसे इंदौर भेजा होता है पढ़ाई के लिए भोपाल से। 5 साल मीरा दिल लगा के पढ़ाई करती है और वो अभी 21 साल की हो चुकी होती है, बट अभी उसकी माँ भी उसके साथ नहीं है। माँ के निधन के बाद 1 महीने के बाद जब मीरा कॉलेज जाती है, मतलब इंदौर जाती है, तब उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। ये सवाल उसके मन में इसीलिए घूमते रहते हैं कि उसकी माँ ने एक अजीब सी शर्त रखी थी उसके साथ कि वो जब भोपाल से इंदौर पढ़ने के लिए जाएगी तो वो कहीं बाहर शहर में घूमने के लिए नहीं जा सकती है। तो यही सवाल उसके मन में हमेशा घूमते रहते हैं कि उसकी माँ ने उसे शहर में घूमने के लिए क्यों मना किया था। पता नहीं मीरा की माँ कौन सी चीज से उसे दूर रखना चाहती थी, वो राज उसकी माँ के साथ ही चला गया था। और अभी माँ नहीं रही तो मीरा की पढ़ाई का खर्च भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, और पैसे ना भरने की वजह से मीरा को हॉस्टल से भी निकाल दिया गया था। बोलते हैं ना कि जब कोई नहीं रहता है तो दोस्त ही अपना होता है, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तो मीरा की एक दोस्त निधि उसको अपने घर लेके गई। मीरा इतनी सुंदर, मासूम और भोली थी कि निधि के घर वालों ने भी उसे अपना लिया था। निधि के घर वालों से भी उसे बहुत ज्यादा प्यार मिलता था, बट सबके प्यार में खुश मीरा ये नहीं जानती थी कि ये वही घर है जिससे उसकी माँ उसे छुपा रही थी। इस कहानी में इतना सस्पेंस है कि मुझे ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इसीलिए मैं ये कहानी सुनती रहती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है या जब भी मैं काम में रहती हूँ तो मैं ये कहानी लगा के सुनती रहती हूँ। ये कहानी मैं आपको पूरी नहीं सुनाऊंगी, आप खुद ही सुन लेना। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये ऐप बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां सुन सकते हो, और ये कहानियां आपको पॉपुलर आरजे की आवाज में सुनने के लिए वहां पर मिलती है, तो आपको और भी अच्छा लगता है। और ये ऐप जब आप डाउनलोड कर लोगे तो मुझे जरूर बताना कि आप कौन सी कहानी सुन रहे हो और आपको कैसा लग रहा है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए ऐप डाउनलोड जरूर करना, इसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे ऐप के आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये ऐप बिल्कुल फ्री है, तो और भी अच्छी बात। अभी वो लोग जा चुके हैं तो आपको मैं हॉल दिखाती हूँ और पूरा घर दिखाती हूँ कैसे कैसे हुआ है, मतलब पूरा नहीं हुआ है अभी तक, बट जो भी हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो लिविंग रूम का क्या हाल हो चुका है मेरे, तो सोफ़ा बाहर चला गया, अभी तक लाया नहीं है सोफ़ा, और आज वो बाहर ही रहेगा, सोफ़ा अंदर लाएंगे ही नहीं क्योंकि सोने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर ही हमें बिस्तरा बिछाना पड़ेगा हमारा, और यहाँ पर ही सोना पड़ेगा हॉल में, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने क्लीन कर लिया है, सीढ़ियाँ क्लीन कर ली है, ऊपर की जो दोनों रूम है वो भी क्लीन कर लिए है, मतलब झाड़ू पोछा मार लिया है। तो यहाँ पर ना POP कैसे हुई है मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब थोड़ा सा ही ढांचा बना हुआ है सिर्फ, बाकी कुछ हुआ नहीं है। तो ये वायरिंग निकाल के रखी है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बस इतना ही हुआ है, आप देख सकते हो ये स्टार्टिंग कुछ इसी तरह से होती है। पहले वो पाइप या लोहे के वो जो नहीं होते हैं रॉड वॉड, वो लगाया जाते हैं, उसके वो POP की शीट लगाई जाती है उसे। और आप देख सकते हो सीढ़ियाँ वगैरह अच्छी लग रही, नहीं क्लीन लग रही है अभी, और पहले आप देखते ना तो बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। और मैं आपको कभी वो भी दिखा दूँगी, गंदी जो हुआ है वो भी दिखा दूँगी,
आप लोग देख लेना। और यहाँ पर ये जो झूमर उमर है और ये जो लाइट्स है वो निकाल के रखे हैं, और बाकी का जो सामान है वो इसके नीचे डाल दिया है, मतलब सीढ़ियों के नीचे। चलिए अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हुआ है ऊपर का काम। ऊपर का काम भी मतलब जिन मैंने आपको दिखाया था तो वो सिर्फ ये वाली बेडरूम हुई थी माही की और अद्विक की बेडरूम हुई थी। और जो अद्विक के बेडरूम का जो ये है मतलब गैलरी है अद्विक के बेडरूम की, वो नहीं हुई थी। यहाँ पर एक्चुअली लाइट नहीं है यार, लाइट का कनेक्शन नहीं दिया है। एक मिनट मैं अद्विक के बेडरूम का लाइट ऑन करती हूँ। यहाँ पर आ गई हूँ अद्विक के बेडरूम में, और अद्विक के बेडरूम की जो पीओपी है वो हो गई है, और इसके दो लाइट लगने बाकी है अभी। बस दो लाइट लग जाए उसके बाद यहाँ का दिखाऊंगा आपको ये वाली गैलरी का। तो ये वाली गैलरी का जो पीवीसी है वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। सारा कबाड़ा ही पड़ा है वहाँ पे, बट मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ क्या क्या काम हुआ है। और हाँ, इतना सा काम हुआ है बट बहुत अच्छा लग रहा है यार। मतलब पूरा काम होने के बाद कितना अच्छा लगेगा ये सोचो, मुझे तो अभी से अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ का काम हो चुका है, मतलब ये गैलरी का कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपको बाथरूम दिखाती हूँ। यहाँ के बाथरूम में भी वही पीवीसी है सेम जो गैलरी में है। तो एक मिनट, रात का टाइम है तो आपको इतने अच्छे से नहीं दिखेगा, बट फिर भी जितना मुझसे पॉसिबल हुआ उतना मैंने दिखा दिया। लाइट ऑफ कर देती हूँ। और अभी माही की बेडरूम रह गई है, और हाँ, माही के बेडरूम का एक्चुअली सिर्फ पीओपी हुआ है, पीवीसी उसके बाथरूम का नहीं हुआ है अभी तक। उसके बाथरूम की जो पीवीसी की शीट जो है हमने सिलेक्ट नहीं की थी पहले, मतलब मिल ही नहीं रही थी उस कलर की। जब अभी मिली है तो सिलेक्ट कर ली। अभी कल वो लेके आएंगे। और नीचे वाली भी वही है सेम, मतलब एक कॉमन लैट्रिन बाथरूम की, और ऊपर वाली भी कल लेके आएंगे वो शीट, तो पता चलेगा कल होगा या नहीं। बट अभी इसकी पीओपी कंप्लीट हो चुकी है और लाइट्स भी लग गए हैं पूरे। कनेक्शन सिर्फ नहीं दिया है उन्होंने, कनेक्शन के वायर यहाँ पर निकाल के रखे हैं, तो वो कनेक्शन पता नहीं अभी कल देंगे शायद। वायर्स यहाँ पर निकाल के रखे हैं, ये यहाँ पर निकाल के रखे हैं पूरे, तो कनेक्शन कल देंगे तो पता चलेगा कि पूरी लाइट्स लगने के बाद कैसे दिखती है। वैसे भी अभी से अच्छी लग रही है, पता नहीं लाइट्स वगैरह और कलरिंग होने के बाद तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं। और आपको सब कुछ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। बस यहाँ पर अभी पूरा खाली खाली हो गया तो अजीब सा लग रहा है, आवाज़ भी गुजरी होंगी ना मेरी, पता नहीं, मुझे तो अभी पता नहीं चल रहा है। आप बताना ज़रूर, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है अभी से। पोर्च का तो आपने देख ही लिया है, पोर्च में भी लाइट लग गया है, बट अभी उसका भी कनेक्शन नहीं दिया है। तो चलिए फिर अभी खाना बनाती हूँ। खाने में सिंपल सा ही बनने वाला है आज डिनर में, क्योंकि बहुत थक जाती हूँ मैं रात तक, तो इसीलिए सिंपल सा ही डिनर बनने वाला है आज। और कभी कभी खिचड़ी बना देती हूँ, कभी कभी सुबह का ज़्यादा बना लेती हूँ, तो आज सुबह का थोड़ा सा है। और अभी मैं दाल तड़का बनाऊँगी, तो बस वही बनने वाला है डिनर में। और चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।